प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी पीएम को दी। इस दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोरोना के समय राजनीति से परहेज की बात भी की। बैठक से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को ये साफ कर दिया था कि कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो, साथ ही कोरोना संक्रमण वाले इलाकों की साफ तौर पर घेराबंदी की जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की बड़ी बातें। पहली बात, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का कहना है कि हम सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में लड़ रहे हैं। इसमें राज्य सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। सभी सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने शुरू से इस बात पर जोर दिया कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन घर जाना मानव का स्वभाव होता है, इसलिए हमने अपना निर्णय बदला। इसके बावजूद हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये बीमारी गाँव में नहीं फैले, यही हमारे लिए बड़ी चुनौती है। तीसरा, बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के महत्व पर प्रकाश डाला और मुख्यमंत्रियों से इसके डाउनलोड को लोकप्रिय बनाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे वायरस के प्रसार पर नजर रखने में मदद मिलेगी। चौथा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस बात पर आशंका जाहिर की है कि ट्रेन सेवा की शुरुआत होने पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है और स्क्रीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ट्रेन सेवा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र पर्याप्त रणनीति तैयार करे और ट्रेन सेवा को रोका जाना चाहिए। पांचवी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में तमिलनाडु ने NHM फंड जल्द से जल्द जारी करने की मांग करते हुए राज्य के लिए 2000 करोड़ रुपए की विशेष मदद और लंबित पड़ी GST की राशि जारी करने के लिए कहा। छठी बात, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य में करीब 30,000 लोगों को अतिसंवेदनशील मानकर उनकी जांच की गई, हालात सामान्य करने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव परिवार प्रधानमंत्री का सामना कर रहे हैं। सातवीं बड़ी बात, सीएम रेड्डी ने कहा कि लोगों से ये अपील की है कि वो सेल्फ आइसोलेशन के लिए आगे आए। हमें लोगों को वैक्सीन के तैयार होने तक इस कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार करना होगा। हमें वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक तौर पर जागरूक करना होगा। आठवीं बात, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि एक राज्य के तौर पर हमले कोरोना संक्रमण से लड़ने में अपना बेहतर काम कर रहे हैं। केंद्र को इस मुश्किल घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। नवी बात, ममता ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अन्य बड़े राज्यों से घिरे हुए हैं और इसका सामना करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को बराबर का महत्व मिलना चाहिए और हमें टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। और दसवीं बड़ी बात, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही और गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल कॉलेजों को खोलने और सार्वजनिक परिवहन को धीरे धीरे से शुरू करना चाहिए।